बेटी आज भी जब किसी के घर वो पैदा होती है तो उस घर में मायूसी छा जाती है। अब दोस्तों टाइम तो बदल रहा है लेकिन अभी भी कई घर ऐसे हैं जहां बेटी के पैदा होने पर खुशियां नहीं मनाई जाती, और वहीं समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है जो बेटी के पैदा होने पर ढोल मंजीरे पीटता है। अब लोगों को ये नहीं पता कि हर घर में बेटी पैदा क्यों होती है। दरअसल कहीं ना कहीं पुरुष महिला को अपने से नीचे ही समझता है, उसके दिमाग में ये भरा गया है कि महिलाएं उससे कमतर होती है और अगर वो उससे आगे निकल गई तो ये बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये कहना भी बिल्कुल सही होगा कि बेटियों के आने से घर की रौनक अलग ही हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बेटी पैदा होती है वो घर स्वर्ग की तरह होता है, क्योंकि बेटा तो बस एक कुल का नाम ही रोशन करता है, लेकिन वही बेटियां दो कुलों दो परिवारों को रोशन करती हैं। अब अगर अपने सास ससुर के लिए भी कुछ करना हो तो बेटियां ही बहू के रूप में वो काम करती हैं। बिहार के गया में तो बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। और तो और अगर ससुराल पक्ष में कोई आदमी नहीं तो इस हालात में पत्नी भी पिंडदान कर सकती है। रामायण में भी बताया गया है कि महाराज दशरथ का पिंडदान गया में ही किया गया था और वो माता सीता के हाथों हुआ था। अब वो लोग भी किस्मत के बहुत धनी होते हैं जिनके घर में एक बेटी जन्म लेती है। वहीं उनकी किस्मत तो और भी अच्छी होती है जिनके घर में एक से ज्यादा बेटियां हो। यही वजह है कि हिंदू धर्म में बेटियों को देवी लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। वहीं बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि बेटी है तो बिना टाइम बर्बाद किए और उसकी पढ़ाई पर ज्यादा पैसे लगाए बिना जल्द से जल्द उसकी शादी कर दो। लेकिन दोस्तों ऐसा सोचना सही नहीं, और इससे उस बेटी का भविष्य बर्बाद हो सकता है। आप खुद ही सोचिए उस बच्ची के मन में भी कितने सपने होंगे कि उसे कुछ करना है, कुछ बनना है, लेकिन ये सपने बस सपने ही रह जाते हैं। इसीलिए अपनी बेटियों को उनके देखे हुए सपने पूरे करने देने चाहिए और उन्हें लाइफ की वो हर खुशी देनी चाहिए जिनकी वो हकदार है। अब दोस्तों एक बेटे से ज्यादा बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है क्योंकि उसका झुकाव माँ बाप के लिए ज्यादा देखने को मिलता है। लड़के भी अपने माँ बाप से प्यार करते हैं लेकिन अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के पैदा होने पर एक त्योहार जैसा जश्न मनाना चाहिए और सभी माता पिता को अपनी बेटी को एहसास दिलाना चाहिए कि वो उनके लिए कितनी खास है। एक बात याद रखें कि बेटी बाप पर बोझ नहीं होती, वो तो बस अपने और अपने परिवार की किस्मत को नए रास्ते पर ले जाने के लिए जन्म लेती है। एक पुरानी कहानी की माने तो एक बार दो दोस्त काफी लंबे वक्त के बाद एक दूसरे से मिले। जब पहले दोस्त ने दूसरे से उसके हाल पूछे तो जवाब में उसने कहा कि मेरा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है और सब कुछ एकदम बढ़िया है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मेरे दो बेटे हैं। तभी वो दूसरा दोस्त अपने पहले दोस्त से पूछता है कि भाई तेरे घर में कितने बच्चे हैं। वो दोस्त बड़ी ही खुशी से बताता है कि उसके घर में दो नन्ही परियां हैं। ये सुनते ही दूसरा दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि मेरे घर में बेटियां नहीं। अपने दोस्त के मुंह से ये सुनकर बेटियों के पिता की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय उसकी बेटी वहां आ गई और वो अपने पिता के दोस्त से कहने लगी कि अंकल अंकल, भगवान हमेशा ही किस्मत वालों को बेटी देते हैं और वो कभी दिल से गरीब को बेटी के रूप में लक्ष्मी नहीं देता। भगवान उसी को बेटी का सुख देता है जिसके अंदर पालने की क्षमता हो, जो गरीब होने के बावजूद भी बेटी को पाल सकता हो। वहीं एक बार स्वामी विवेकानंद माता वैष्णो की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बगल से एक किसान अपनी बेटी को कंधे पर चढ़ाकर चढ़ाई कर रहे थे। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझ आपको भारी लग रहा होगा, आप परेशान ना हो, मैं इसे उठाकर देवी के दरबार तक लिए चलता हूँ। तब किसान ने स्वामी विवेकानंद को जवाब दिया कि स्वामी जी, बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती, बल्कि वो तो अपने बाप के कंधे का बोझ हल्का करती है। कोई बेटी कभी भी पैसे या फिर धन की भूखी नहीं होती, वो बस मान सम्मान और प्यार की भूखी होती है। अब सोचने वाली बात ये है कि कौन से काम करने के बाद आप किसी के घर में लड़की के रूप में जन्म लेते हैं और उनके घर के लिए माता लक्ष्मी का स्वरूप साबित होते हैं। अब गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि जब आत्मा को नई जिंदगी मिलती है तब आत्मा को उसे शरीर के अनुसार ही व्यवहार में ढलकर अपने काम पूरे करने होते हैं। अब शरीर के जरिए ही काम करके एक आत्मा अपने जन्म के लक्ष्य को पूरा करती है। वहीं अगर कोई आदमी महिलाओं की तरह रहने लगता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है और वही काम करना चाहता है जो एक औरत को करने चाहिए, तो ऐसे मर्दों की आत्मा अगले जन्म में औरत का शरीर धारण करती है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि अगर कोई आदमी मरने वाला हो और उस समय वो किसी महिला को याद करते हुए मरे तो वो भी अगले जन्म में महिला के रूप में जन्म लेता है, और वहीं जो भी अपने आखिरी पल में भगवान का नाम लेता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। इसी के साथ आइए दोस्तों अब ये जानते हैं कि किस घर में भूलकर भी अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए। अब किसी भी लड़की के घर वाले यही सोचते हैं कि हमारी बेटी के लिए एक अच्छे घर का लड़का मिले जो उसे खुश रखे और उसे किसी तरह की दिक्कत न होने दे, जिसके चलते वो अच्छे लड़के की तलाश शुरू कर देते हैं। अब अपनी बेटी का किसी आदमी के साथ शादी कराना दान कहलाता है, और दान उसी का होता है जो खास हो। अब हर माँ बाप के लिए उसकी बेटी अनमोल और खास होती है। इस हालात में किसी भी गलत लड़के के साथ उसकी शादी कराना सही नहीं। वहीं अगर स्कंद पुराण की माने तो किसी भी माँ बाप को अपनी बेटी की शादी घर के ज्यादा पास या फिर ज्यादा दूर रहने वाले आदमी से नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि इससे उनकी बेटी को दिक्कत होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है
कि आदमी को अपने से ज्यादा अमीर या फिर अपने से ज्यादा गरीब मनुष्य के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि ऐसे घर में जाकर वो हमेशा दुखी सहती है। इतना ही नहीं, पुराणों में ये भी बताया गया है कि जिस आदमी के पास अपनी जिंदगी चलाने का कोई रास्ता न हो, इस तरह के आदमी से भी अपनी बेटी की शादी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि वो आदमी जब खुद की लाइफ ही नहीं चला सकता तो वो आपकी बेटी की लाइफ को कैसे चलाएगा, और उस आदमी के साथ साथ आपकी बेटी को भी हमेशा दुखों का सामना करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को बड़ा दिखाते या फिर समझाते हैं, या फिर जो हमेशा ही किसी न किसी बीमारी से जूझते रहते हैं। ऐसे आदमी से भी अपनी बेटी की शादी करवाना बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि जो इंसान खुद को बड़ा मानेगा वो अपनी पत्नी की इज्जत कभी नहीं करेगा। इसके अलावा जो आदमी हमेशा ही किसी न किसी बीमारी से दुखी रहता हो, उसके साथ भी आपकी बेटी कभी खुश नहीं रह सकती। अब दोस्तों, ये तो आपने जान लिया कि किस घर में भूलकर भी अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ आइए अब ये जानते हैं कि जिन लोगों की कुंडली नहीं मिलती और वो फिर भी शादी कर लेते हैं, तो ऐसे रिश्ते में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। अब हिंदू धर्म में शादी से पहले रिश्ता तय करने के लिए लड़के और लड़की की कुंडली मिलाना जरूरी होता है। कुंडली के गुणों का मिलना दोनों के घर वालों के लिए बहुत जरूरी है, और जिनके गुण आपस में नहीं मिलते उन लोगों की शादी में काफी परेशानियां आती हैं, और घर वालों को भी ऐसी शादी के लिए हामी नहीं भरनी चाहिए। अब लड़का और लड़की की कुंडली के कुल 36 गुणों में से जितने ज्यादा गुण मिलते हों वो शादी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। वहीं एक शादी के लिए लड़का और लड़की के 36 गुणों में से कम 18 गुण तो मिलने ही चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की माने तो जिन लोगों के 18 गुण नहीं मिलते उनकी शादीशुदा जिंदगी काफी बुरे दौर से गुजरती है। ऐसे कपल्स को अपनी शादीशुदा जिंदगी में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ज्यादातर लोग प्रेम विवाह में कुंडली या फिर गुणों के बारे में नहीं सोचते, जिससे शादी के कुछ समय बाद लड़के और लड़की के बीच मनमुटाव हो जाता है, और ऐसे में उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में तो कपल एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं, और यही वजह है कि बड़े बुजुर्ग गुण मिलाने के साथ ही शादी करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी देखने को मिला है कि कभी कभी गुण मिलाने के बावजूद लोगों की शादियां या फिर रिश्ते टूट जाते हैं। आज भी हम सोसाइटी में ऐसी कई शादियां टूटते हुए देखते हैं जिनमें लड़के और लड़की की कुंडली में गुणों का अच्छा मिलान किया गया हो, लेकिन शादी के बाद उनकी जिंदगी में लड़ाई ने घर बना लिया होता है। अब ऐसे मामलों में लड़का और लड़की की कुंडली के ग्रहों के साथ साथ उनके कर्म और उनकी सोच भी जिम्मेदार होती है। अब दोस्तों, आपने ये तो कई बार सुना है कि शादी के लिए 36 गुण मिलना जरूरी है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर ये 36 गुण होते क्या है? तो दोस्तों, शादी के समय कुंडली मिलान में लड़का और लड़की के अष्टकूट गुण देखे जाते हैं। इसमें नाड़ी के 8 गुण, बुकुट के 7 गुण, गण मैत्री के 6 गुण, ग्रह मैत्री के 5 गुण, योनि मैत्री के 4 गुण, तारा बल के 3 गुण, वश्य के 2 गुण और वर्ण के 1 गुण का मिलान होता है, और इस तरह से कुल मिलाकर 36 गुण होते हैं। शादी के बाद कपल एक दूसरे के लिए लॉयल रहे, संतान सुख मिले, धन दौलत में वृद्धि हो, लंबी उम्र हो, इस वजह से ही इन गुणों को देखा जाता है। अब आपको ये भी बता दें कि इन 36 में से 18 से 21 गुण मिलने पर भी किसी भी कपल का मिलान सही माना जाता है, और इससे ज्यादा गुण मिलने पर उसे अच्छा या फिर शुभ विवाह कहा जाता है। अब ये भी जान लें कि किसी लड़के और लड़की के 36 गुण मिलना बहुत ही मुश्किल है, और पुराणों के अनुसार बस राम जी और माता सीता के ही 36 गुण मिले थे। तो मित्रों, आज हमने जाना कि बेटियां किस घर में जन्म लेती है, और भगवान बेटियों के जन्म के लिए घर का चुनाव कैसे करते हैं। अगर आप इससे जुड़ा कुछ भी साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।